मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के सामने। नंदन बाजपेई आपका अपना दोस्त, आपका अपना मित्र, और मैं हॉन्टेड एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हो। तो आज एक मैं एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूँ छोटा सा, और एक जाना माना चेहरा है, आप सभी जानते हो और मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, मिस्टर दीपक वर्मा। आज मैं इनकी बात करूंगा और इनका एक वीडियो उठाते हैं, इनकी बात करते हैं कि इनसे एक छोटी सी बारीकी इनके वीडियो में मेरे को दिखाई पड़ी है, तो उस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखता हूँ आप लोगों के सामने। भाई अभी ये गए थे थोड़े दिन पहले जमाली कमाली, और शायद ये दोबारा गए थे जमाली कमाली। जब दोबारा ये गए और इन्होंने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, और इनका वीडियो भी बहुत अच्छा रहा और ब्लॉग भी बहुत अच्छा था, इनका नाइट ब्लॉग था, सब कुछ अच्छा था। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि आप सभी जानते हो उस वीडियो में जो है कुछ गिरने का साउंड आया था। तो अभी यहाँ पर ये सवाल है छोटा सा दीपक भाई से, दीपक भाई इसको जो है क्लियरिफाई कर सकते हो, आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आप क्लियर कर देना क्या था। और मैं दो पॉइंट यहाँ पर रखूँगा। तो पहला तो यह है कि जमाली कमाली में वो जो साउंड आया था किसी मेटल के गिरने का, वो क्या था? अच्छा एक बार नीचे चले, नीचे एक मैंने देखा था सीढ़ी सी उतर के नीचे जा रही है, एक चल के देखें नीचे, आओ क्या गिरा है, चल के देखें नीचे, आओ क्या गिरा है। आवाज आई है ना किसी चीज की, कहाँ से? इधर से आई है, इधर से आई है, मेरे ख्याल से इधर से आई है, कुछ लोहे के गिरने की आवाज आई है, शायद इधर से आई है। चलते हैं फिर इधर से, चल के देखते हैं। ये सभी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, और आप मैं मेरी तरह जो भी सब्सक्राइबर होंगे वो सारे की सारे जो है उनके ये सवाल होंगे कि आखिर वो क्या था। क्योंकि आप हर वीडियो पे तो कोई भी चीज़ आपको शंका होती है या कुछ संदेह होता है तो इन्वेस्टिगेट पूरी तरह करते हो, लेकिन इस बार आपने क्या किया कि उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करके जो है उस वीडियो को कब वो फिनिश हो गया। आवाज़ आई है ना किसी चीज़ की, कहाँ से? इधर से आई है, इधर से आई है, मेरे ख्याल से इधर से आई है, कुछ लोहे के गिरने की आवाज़ आई है, शायद इधर से आई है। चलते हैं फिर इधर से, चल के देखते हैं। खैर वीडियो अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन बस एक संशय रह जाता दिमाग में, तो उसका जवाब मिलना लाजमी है और राइट्स भी बनता है अपना पूछने का। अब दूसरा पॉइंट उठाते हैं। भाई अभी आपका लेटेस्ट एक वीडियो उठाते हैं, उसमें आप गए हो जयपुर। जयपुर तो पहुंच गए, 12:24 हो चुके हैं रात के। तो जयपुर जब आप गए हो, आप बता रहे हो मैं दिल्ली से जयपुर आया हूँ, रात हो गई है, और आपके फ्रेंड सर्किल भी है, राकेश भी है, और मतलब 3 लोग आप लोग हो, कार में जा रहे हो अच्छे से मस्ती करते हुए, इंटरटेन करते हुए, एंजॉय करते हुए। वहाँ पर जयपुर पहुँचने पर आपको जो है लेटली बड़ी मुश्किल से कोई, एक तो लॉकडाउन की वजह से हो सकता है रूम सब अवेलेबल ना हो तो आपको रूम नहीं मिल पाए, लेकिन लेटली आपको कि रूम मिल गया, एक बड़ी मुश्किल से मिला होगा जो भी हो, पर रूम एक मिल गया। और उस रूम में भी जा कर के आप लोग मस्ती करते हो ढेर सारी, और हंसते हो, हंसाते हो, सब कुछ करते हो। फिर अचानक से आप जो है अपने मोबाइल पे जो है उसी रूम पे गूगल टाइम दिखाते हो। अब मैं यहाँ पर गूगल टाइम का इशू नहीं जानता क्या होता है, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर, आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है इस चीज़ को क्लियर कर सको, पर ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं रख रहा हूँ, चूँकि मेरा कंटेंट है बनाने का तो मैं बना रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी को उस वीडियो से देखा था, और उस जगह पर थोड़ा सा पॉज कर दिया था और जूम करके देखा। जब आपने गूगल टाइम दिखाया है तो इवन आप जयपुर में हो तो गूगल टाइम में जो आपके लिख करके आ रहा है टाइम, तो 2:21 AM के आसपास आ रहा है, ऐसे कुछ है, लेकिन नीचे जो लोकेशंस आ रही है वो गुड़गांव की आ रही। भाई तो ये गुड़गांव और न्यू दिल्ली कैसे लिख करके आ रहा है, ये अपनी खोपड़ी में नहीं चढ़ पा रहा है। तो मेरी तरह शायद और भी लोग देखेंगे तो वो भी कसमुकस में पड़ जाएंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। गूगल टाइम दिखा सबसे पहले, गूगल टाइम देखो भाई, अब इसको रिफ्रेश करिए आप, अब इसको रिफ्रेश करिए आप। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो और बताओ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये कोई एलिगेशंस नहीं है, ये अच्छी तरह से जानते हो, अपना काम है कंटेंट बनाना, और मैं तो शुरुआत से ही जो है लाइक कर रहा हूँ और बारीकियाँ निकालता हूँ किसी के वीडियो में तो बताता हूँ। अपना कोई मैटर ये नहीं है कि किसी के चैनल को ठेस पहुँचे या किसी को व्यक्तिगत कोई हानि पहुँचे। सो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ का जवाब ज़रूर दोगे कि वो गूगल टाइम जो आपकी एक क्लिप में मैं चला रहा हूँ ये क्या है, ये किस तरह से जो है इसको थोड़ा सा ब्लर जरूर दिखाई देगा आप लोगों को, लेकिन वो गुड़गांव ही है। और अगर गुड़गांव साफ नज़र नहीं आता है तो नीचे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्लियर देख सकते हो। तो बस होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एनालिसिस कंटेंट। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।